जो संविधान के दायरे में उसको छोड़ के जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा वो हिंदू नहीं है, वो डरता है। हाँ, मोदी नारे लगा रहे हैं क्योंकि पूरा राम राज जा चुका है और मोदी जी 412 के बाद जीतने जा रहे हैं, उसमें से हम एक ही एक सीट होगी। जो राम के साथ है हम उसके साथ है, हर राम भक्त मोदी जी के साथ है। विरोध नहीं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। विरोध हम नहीं कर रहे हैं, हम उनसे ये कह रहे हैं कि वो वापस चले जाएं, अमेठी की जनता बहुत सुकून में है। अमेठी में, वही अमेठी जहां से जो है स्मृति रानी जो है सांसद है। आप पीछे देखिए माहौल, देखिए किस तरीके से जो है यहां राहुल गांधी का जो है विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी को रोकने की बात कर रहे हैं, लगातार मोदी मोदी के नारे लगाते हुए भीड़ यहां नजर आ रही है। और पीछे आप तस्वीरों में देखें किस तरीके से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकल रही है, राहुल गांधी को रोकने की कोशिश यहां लगातार लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की नारेबाजी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। कि यहाँ आप देखें किस तरीके से माहौल यहाँ खराब होता हुआ नजर आ रहा है, कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लगातार रोकने की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। किस तरीके से लगातार राहुल गांधी बैग जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं और लगातार जो है मोदी मोदी के नारे लोग यहाँ लगा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर आप देखेंगे तस्वीरों में पीछे, वहाँ राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर किस तरीके से बैरिकेड करके प्रशासन यहाँ रोकने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए, और दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से उधर जो है कांग्रेस के लोग, आप फ्रेम में देख सकते हैं उधर जो है कांग्रेस के लोग हैं, जहाँ पर राहुल गांधी जो है उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है, और उसी के सामने दूसरी साइड आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ जो है भाजपा के लोग, यानी किस तरीके से जो है यहाँ जो सिक्योरिटी है उसके पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। और पीछे आपको बता दें कि पीछे जो है लगातार राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं, और इधर आप देखेंगे किस तरीके से जो है राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से लोगों से मिलते हुए राहुल गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तो आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी एक बार आगे बढ़ते हुए और लोगों का प्यार किस तरीके से राहुल गांधी को लगातार मिल रहा है, और साथ में उनके इमरान प्रतापगढ़ी, और भीड़ देखिए, भीड़ यहां पर जो है किस तरीके से यहां भीड़ नजर आ रही है, और लगातार राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ता हुआ यहां नजर आ रहा है, राहुल गांधी की यात्रा का जो है विरोध कर रहे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहां विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, कि तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। जय श्री राम नारा लगाना गुनाह है, जय श्री राम नारा लगाना के लिए नहीं है, सुनिए, राम के लिए, राम के लिए किसी भी स्तर पे चले जाएंगे। जिनके लिए राहुल गांधी वापस जाए, अमेठी से अमेठी को नहीं चाहती, अमेठी राम विरोधी को नहीं अपनाएगी। क्या कह रहे हैं कि आखिरकार विरोध क्यों आप? विरोध नहीं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं हम, मोदी मोदी के नारे लगाए। तो मोदी वीडियो में रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री का नारा लगाना गुनाह है, बोलो तो लगाए, वो लगाए। राहुल गांधी का विरोध क्यों? राहुल गांधी का विरोध क्यों? विरोध राहुल गांधी का विरोध किसके पास पार्टी का झंडा है बताइए, किसके पास पार्टी का झंडा? मोदी मोदी के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं, उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, जो राम के साथ है उसके साथ है। वहाँ पे देखिए, हर राम भक्त मोदी जी के साथ है, मोदी जी के नेतृत्व में बनाया, और पहले क्यों नहीं बना 500 सालों में बना है। राहुल गांधी, राहुल कोई दाने दे नहीं कांग्रेस के, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, 70 साल देश को लूटा है, 70 साल देश को लूटा है। क्यों कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हम, जैसे आपका नारा लगा रहे हो, और उनको कह रहे हो मोदी मोदी के वापस जाए, राहुल गांधी वापस क्यों जाए? 359 दिन बाद अब उनको जनता की याद आई है, वापस क्यों जाए? 359 दिन बाद अब उनको जनता की याद आई है,
15 साल वो सांसद रहे, कोविड में इतना दीदी जी ने काम किया, स्मृति जी ने, उन्होंने कोई कुछ काम नहीं किया कांग्रेसियों में। विरोध मैं अमेठी का एक छोटा सा हमराही बोल रहा हूँ और इन कांग्रेसियों को भी कह रहा हूँ, ये लोग अपने गिरेबान को मत डुबाए, ये हिंदुत्व का है, ये हिंदुत्व की विचारधारा के लिए आए है, ये सनातन धर्म के लिए आए हैं। इन 10 सालों में आपको क्या मिला? हमें, हम लोगों को हिंदुत्व की विचारधारा की अलग, जो हिंदू हिंदुस्तान में जगमगा रही है वो सबके सामने है। इन्होंने अमेठी को गर्दिशों में ठेला। विरोध हम नहीं कर रहे हैं, हम उनसे ये कह रहे हैं कि वो वापस चले जाएं, अमेठी की जनता बहुत सुकून में है, स्मृति जी ने बहुत काम किया, वो उनका अपने परिवार में काम किया, स्मृति ईरानी जी ने अपना घर बनवा लिया, 350 किलोमीटर का बॉटलिंग प्लांट लगा है, कोका कोला फैक्ट्री लगी है, AK-47 की यहाँ लगी है फैक्ट्री, वहाँ पे वो बन रही है गन, और क्या काम करेंगे। राहुल गांधी यहाँ से पिकनिक मनाने आते थे बस, 70 साल बस, वो जब भी आते थे पिकनिक को और समझ के आते थे अपने फ्रेंड्स को लेके बस। ये तो धार्मिक झंडे लेके मोदी के नारे, हाँ मोदी नारे लगा रहे हैं क्योंकि पूरा राम राज जा चुका है और मोदी जी 400 बार की बात जीतने जा रहे हैं, उसमें से अमेठी भी एक सीट होगी। राहुल गांधी व्यक्ति, आप देखें किस तरीके से यहाँ माहौल, नौकरी मिली आपको, नौकरी सबको, नौकरी मिला, सबको रोजगार मिला है, सबको रोजगार मिला है, मुझे रोजगार नहीं करना, मुझे नहीं करना, यही करना है, ये मुझे लोन मिला मुद्रा लोन के तहत, मैंने 5 लोगों को रोजगार दिया, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, लोन चुकाना नहीं पड़ेगा, अरे इनकम हो रही चुकाएंगे, इनकम हो रही चुकाएंगे, परिश्रम करके कमा रहे हैं, परिश्रम करके कमाना चाहते हैं, उस तरह नहीं कि एहसान के नाते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ताने समय खाता नहीं खुलता था, लोन तो मिल रहा है रोजगार के लिए, रोजगार के लिए, रोजगार के लिए, रोजगार के लिए कर्ज करें, कर्ज होता है लेकिन व्यापार के लिए पूंजी तो है, व्यापार के लिए पूंजी तो है, देश विरोधी राम विरोधी नहीं चाहिए, मदद कर रही है और स्वयं रोजगार खोल रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कुछ किया हुआ है नहीं, नौकरी मिली आपको, नौकरी में नहीं करनी, जिनको नौकरी करनी है उनको मिल रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे भ्रमित, जिनको नौकरी करनी है वो अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, प्रचार नहीं करते, एक चीज जान लीजिए, जो उनके साथ में खुद पॉलिटिशियन है और जो बेरोजगार हो गए हैं, जो सरकारी पैसे पहुंचते थे वो क्या कहते हैं, जय श्री राम पाते थे, 11 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी के 1980 से उनके मैनिफेस्टो में था। है एक बार फिर से माहौल देख सकते हैं अमेठी का, ये माहौल किस तरीके से जो है यहाँ एक तरफा माहौल जो खराब होता हुआ नजर आ रहा है, एक तरफ भाजपा के जो कार्यकर्ता है पूरी तरीके से, यहाँ देखिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है और किस तरीके से बैरिकेड करके उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे उधर जो है राहुल गांधी कि जो वो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उधर वो निकल रहे हैं और जिस तरीके से दोनों तरफ से जो बैरिकेड करके रोका हुआ है। अमेठी से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि जो है स्मृति ईरानी का जो है संसदीय क्षेत्र है, आप देखिए किस तरीके से यहाँ माहौल आपको दिखाई देगा, जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे आपको लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इन लोगों को आज तक अमेठी की याद नहीं आई, आज इकट्ठा आ जा रहे हैं, क्या हो सकता है, जब इनके लिए अमेठी पिकनिक स्पॉट है तो आखिर क्यों आए हैं, आज पिकनिक मनाने आए हैं, इन लोगों को अमेठी में पैर रखने की आवश्यकता नहीं है, इनको वापस जाना चाहिए, वापस जाओ, वापस जाओ। कहते हैं नाम चुनावी पंडित है, पंडित राहुल गांधी मानते अपने आप को ना, उनका संविधान है वो संवैधानिक तौर पे है, ठीक है, पुलिस वाले जय श्री राम का नारा लेने, हाँ जो संविधान के दायरे में उसको छोड़ के जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा वो हिंदू नहीं है, वो डरता है, उसको डर है कहीं हमको अल्पसंख्यक वोट मिले कि ना मिले, वो तो सिख है ना, वो तो सिख है ना, हम मुस्लिम से जय श्री राम का नारा लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम मुस्लिम से जय श्री राम का नारा लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी अपने आप को पंडित बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, उनसे बोल रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाने के लिए, कहाँ जाते हैं भाई, चुनावी पंडित हैं, चुनावी
चुनाव के समय जाते हैं, चुनाव के समय जाते हैं। हमेशा हर मंदिर जाते हैं, उन्होंने मंदिर के लिए आवाज उठाई। बिल्कुल रोजगार मिला है, बिल्कुल। क्या हम रोजगार करें? जरूरी है, हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं मुद्रा लोन के तहत। मुद्रा लोन के तहत जो जीएसटी कटती कभी ध्यान नहीं दिया हमने। हमें मुद्रा लोन मिला, हमने अपना व्यापार शुरू किया। हाँ, क्यों नहीं लौटाते हैं? लौटाते हैं, किस्त भरते हैं। आप बताइए, कर्जा पहले भी था, जिस तरह सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए, आप पास सुनिए, पहले बात सुनिए। आप मीडिया से हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता है? हमें नहीं लगता है, नहीं। पहले भी था कर्जा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विदेश में अपना मजबूत किया है, पहले कंगाल था, अब हर कोई मजबूत है। अब हर को किसी को सरकारी नौकरी न मिले तो जरूरी नहीं है रोजगार नहीं है, ठीक है। सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार नहीं होता है, ठीक है। अपना व्यापार करना भी रोजगार होता है, प्राइवेट नौकरी भी करना रोजगार होता है, ठीक है। हम सरकारी नहीं, हमें सरकारी नौकरी नहीं मिले, हम रोजगार नहीं पा रहे हैं। ये कौन से संविधान में लिखा है भाई कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिले, रोजगार नहीं है?